नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। आप मेरे हाथ में कबूतर देख रहे हो। इसकी जो है आईज के अंदर इन्फेक्शन हो गया है और इसकी पूरी बॉडी के ऊपर देखिए, ये आईज के ऊपर, चोंच के ऊपर और इधर पैरों पे, इधर देखिए लेग्स के ऊपर वेंट वाले पोर्शन में जो है पूरे पॉक्स के लीजन्स आ गए। यदि आपके पास कोई ऐसा कबूतर आया है जिसमें इस तरह की प्रॉब्लम आपके लॉफ्ट के अंदर आ रही है, तब इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। देखिए, सबसे पहले तो जो है हमारे पास जो है एक बोरिक एसिड पाउडर होना ज़्यादा ज़रूरी है। मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाता है बोरिक एसिड पाउडर के साथ साथ हमारे पास थोड़ा सा कॉटन होना चाहिए, एक कटोरी के अंदर थोड़ा गुनगुना पानी होना चाहिए और गुनगुने पानी के साथ साथ जो है एक आई ड्रॉप हमारे पास होना चाहिए और आई ड्रॉप के साथ साथ कुछ पिलाने की मेडिसिन्स हैं जो कि बर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। उसमें आपको इसको विटामिन सी रेगुलर देना चाहिए, विटामिन ए आपको रेगुलर देना चाहिए। तो ये है पिलाने की मेडिसिन। सबसे पहले हमने करना क्या है, आपके बर्ड्स के जहाँ पर भी पॉक्स हुआ है, जहाँ पर भी दाने हुए हैं, उसको साफ कैसे करना है। हमने करना क्या है, ये जो कटोरी में हमने गुनगुना पानी डाला है, इसमें हमने करना क्या है, इसमें दो चुटकी ये बोरिक एसिड आप इसको गुनगुने पानी में डाल करके आप इसको पानी में अच्छे से घोल लीजिए। जब तक बोरिक एसिड पानी के अंदर पूरा अच्छे से ना घुल जाए, आप इसको मिक्स करते रहिए। ये जो है हमारे आईज को क्लीन करता है, यानी जहाँ पे पॉक्स के लीजन्स हैं ऑटोमेटिक उसकी क्लीनिंग में काफ़ी मदद करता है। आपने इसको अब आपकी कटोरी के अंदर जो है पानी है बोरिक एसिड को क्लीन कर लिया। अब करना क्या है, कॉटन लेकर के इसके छोटे छोटे ऐसे राउंड ये गोल स्वैब्स जो है आपने इसको बनाने हैं और कॉटन के ऐसे स्वैब बना करके छोटे छोटे आपने इसको बोरिक एसिड वाले पानी में इस तरह से आपने करके इसको छोड़ देने। 5 मिनट तक आपके जो स्वैब है कम से कम आप मान के चलिए इस तरह पानी में ये रहना चाहिए ताकि आपका जो कॉटन है वो अच्छे से डिप हो जाए और कॉटन के ऊपर जो है या कॉटन के अंदर पूरा बोरिक एसिड का पानी जो अंदर से चला जाए। अब ये हमारा जो है सॉल्यूशन तैयार हो गया बर्ड्स के पॉक्स के लीजन्स को क्लीन करने के लिए। आपने करना क्या है, ये इस तरह से ये पानी में से स्वैब लेना है, इसके आईज पे जहाँ पर भी पॉक्स का लीजन है आईज को बाहर अंदर से पूरा अच्छे से जहाँ पर भी पॉक्स का लीजन्स है आपने इसको अच्छे से क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद अब आपने करना क्या है, इसकी आई के अंदर सुबह शाम आपने जो है सिपलॉक्स आई ड्रॉप आपने इसको डालना है। 2 टाइम क्लीनिंग कीजिए, 2 टाइम इसकी आईज में ड्रॉपर डाल दे। किसी भी प्रकार का आईज का कोई इन्फेक्शन हो, आई में रेडनेस हो, बर्ड्स इचिंग ज्यादा कर रहा हो, अपनी आंखों को पिंजरे पे रगड़ना शुरू कर देता है, तो ऑटोमेटिक ये सिपलॉक्स आई ड्रॉप जो है काफ़ी हेल्पफुल होता है और ये बर्ड्स के लिए काफ़ी बेस्ट भी देखा गया, मतलब इसका रिजल्ट्स आपको 100% आपको देखने के मिलेगा। अब आपने करना क्या है, ये जो ईचिंग या रेडनेस जो बर्ड्स के आईज में आती है पॉक्स लीजन्स होता है वो सफाई कर दी हमने इसको। अब इसमें जो है हमने इसको विटामिन ए का सिरप देना है। ये हमारे पास जो है विटामिन ए का सिरप है, ये विटामिन ए के सिरप की जो है 5 बूंदें, 5 बूंदें सुबह दीजिए, 5 शाम को दीजिए। साथ में इसको विटामिन सी भी जो है इसके जो आईज में जो इन्फेक्शन हुआ है उसमें विटामिन सी भी काफ़ी हेल्प करेगी, इसलिए विटामिन सी की भी जो है 2 ड्रॉप आप इसको दे दीजिए। सुबह शाम डेली आपने इसकी आईज की ड्रेसिंग करनी है और दवाई पिलानी है। दूसरा, इस टाइम बर्ड्स में क्या है, इम्यूनिटी लेवल काफ़ी डाउन जा चुका होता है, ऐसे में बर्ड्स के किसी भी इन्फेक्शन यानी सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन में आने की पॉसिबिलिटी अधिक रहती है। ऐसे में हमें बर्ड्स के पीने के पानी में एंटीबायोटिक भी देना ज़रूरी होता है। बर्ड्स में यदि हम एंटीबायोटिक की बात करें तो बर्ड्स को जो है यदि आपके बर्ड्स में पॉक्स हो गया है तो पीने के पानी में आप एंटीबायोटिक के तौर पर जो है आप इसको लिक्सन पाउडर पीने के पानी में घोल करके आप दे सकते हैं। 10 से 15 दिन तक आप देखेंगे कि डेली आईज की क्लीनिंग करेंगे, सुबह शाम मेडिकेशंस आईज के अंदर डालेंगे और उसको दवाई पिलाएंगे और पीने के पानी में ये एंटीबायोटिक चलने देंगे। कैसा भी पॉक्स का इन्फेक्शन क्यों ना, आप देखेंगे 10 से 15 दिनों के अंदर आपका ये इन्फेक्शन है पॉक्स का बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया, यदि आपके कबूतरों में पॉक्स का इन्फेक्शन आईज में
किसी प्रकार का इन्फेक्शन है, चेचक के दाग हो जाए, आप उसको कैसे क्लीन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।